बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हेलो गाइस, वेलकम टू लीगल यूट्यूबर चैनल। दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों काफ़ी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक न्यूज़ वायरल हो रही है कि आने वाले दिनों में अगर आप विजिटर वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा कनाडा का अप्लाई करोगे तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होगा, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर कनाडा का विजिटर वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा का जो सक्सेस रेट है वो 100% होने जा रहा है। और ये न्यूज़ कुछ न्यूज़ चैनल्स पर और काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया हैंडल्स पर दिखाई जा रही हैं। तो क्या रियलिटी है इस न्यूज़ की कि वाकई ही कनाडा आने वाले दिनों में 179B जो रूल है उसे ख़त्म करने जा रहा है, और कनाडा ऐसा क्यों स्टेप लेने जा रहा है, उसके पीछे क्या रीज़न है? तो करते हैं इस वीडियो को शुरू। दोस्तों मेरा नाम है राजिक और आप देख रहे हैं लीगल यूट्यूबर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो या प्लीज नीचे बटन होगा उसको दबा दो, पहले को दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको मेरा हर नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। अब दोस्तों इस न्यूज़ का इतना वायरल होने का जो रीज़न है वो ये था कि कनाडा के पार्लियामेंट में कनाडा के एक मिनिस्टर ने ये टॉपिक उठाया था कि इस वक्त कनाडा के अंदर टूरिज़्म इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा लॉस में जा रही है, और इस टाइम भी कनाडा IRCC काफ़ी ज़्यादा विजिटर्स और टूरिस्ट वीज़ा की एप्लीकेशंस को रिफ्यूज़ कर रही है, और उसमें रीज़न ये बेकार का दिया जा रहा है कि आप वापस नहीं आओगे, आपका पर्पस ऑफ विज़िट जो है वो अपने रिलेटिव से मिलना नहीं है, वहाँ पे घूमना नहीं है, बल्कि आप कनाडा में सेटल होने जा रहे हो, जिसको देखते हुए हम आपको वीज़ा नहीं दे सकते। और इसी न्यूज़ को देखते हुए दोस्तों ये काफ़ी टीवी चैनल्स के ऊपर और काफ़ी न्यूज़पेपर्स के अंदर, सोशल मीडिया के ऊपर ये न्यूज़ वायरल की जा रही है कि आने वाले दिनों के अंदर कनाडा का सक्सेस रेट 100% होने जा रहा है। दोस्तों पहले भी इन्होंने यही चीज़ें देखते हुए कही थी कि कनाडा 179B, जिसका मकसद है पर्पस ऑफ विजिट, वो आने वाले दिनों में कनाडा हटाने जा रहा है। लेकिन कनाडा IRCC या फिर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने इस न्यूज़ को अपने कहीं पे भी कोई भी सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर या फिर ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट नहीं किया, और अभी भी जब ये न्यूज़ वायरल की जा रही है, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है, लेकिन अभी भी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर या कनाडा IRCC की तरफ से अपने कोई भी सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर इस न्यूज़ को नहीं चलाया गया। और वैसे भी दोस्तों सोशल मीडिया और टीवी चैनल्स के ऊपर काफ़ी बार ऐसी ही न्यूज़ वायरल होती है लेकिन इसके पीछे होता कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर मान लेते हैं दोस्तों कि आने वाले दिनों के अंदर कनाडा IRCC 179B रूल को ख़त्म करने जा रही है या फिर फंडिंग के अंदर कोई रिलैक्सेशन देने जा रही है, तो हमेशा आपने वो जो न्यूज़ है वो कनाडा के ऑफिशियल हैंडल्स पर चेक करनी है। आपको कभी भी अपने एजेंट्स की बातों में या फिर टीवी चैनल्स की बातों में नहीं आना, क्योंकि ये दोस्तों काफ़ी बार न्यूज़ को वायरल करने के लिए, अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, अपनी TRP बढ़ाने के लिए इस तरीके की हरकतें करते हैं। और इस टाइम भी विजिटर वीज़ा के जो रिजल्ट्स हैं दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने को मिल रहे हैं, और वैसे भी समर आने वाला है तो विजिटर वीज़ा का जो सक्सेस रेट है वो वैसे भी इंक्रीज़ होगा, लेकिन कभी भी 100% पर नहीं जा सकता। और ये भी हो सकता है दोस्तों कि ये टीवी चैनल्स वालों ने यही सोचकर बताया हो कि आने वाले दिनों में समर की वजह से वीज़ा सक्सेस रेट अच्छा हो जाएगा, और इसी को ही घुमा फिरा के इन्होंने ये न्यूज़ बना दी है। लेकिन इन्होंने दोस्तों जिस तरीके से न्यूज़ चैनल्स पर या फिर सोशल मीडिया हैंडल्स पर इस न्यूज़ को एक्सप्लेन किया है, उससे यही लग रहा है कि 179B जो रूल है वो ख़त्म होने जा रहा है। तो 100% दोस्तों आने वाले दिनों के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अब हो सकता है आ जाए, लेकिन अभी फिल वक्त तो नहीं होने वाला, लेकिन इससे एजेंट हजरात को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि जब टीवी चैनल्स के ऊपर ऐसी चीज़ें चलती हैं तो हमारे जो एजेंट हजरात हैं वो हमेशा ऐसी ही न्यूज़ के ऊपर नज़रें जमाए बैठते हैं, और जैसे ही कोई ऐसी न्यूज़ आती है वो लोगों को पागल बनाने के लिए मार्केट में निकल जाते हैं कि भाई अब कनाडा ने 179B ख़त्म कर दिया है, 100% सक्सेस रेट है, और इसी तरीके से वो लोगों के पैसे हेंटते रहते हैं।
और दोस्तों इस टाइम जो भी विजिटर वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा कनाडा का अप्लाई करना चाहता है तो वो बिल्कुल कर सकता है। विद इन अ मंथ के अंदर रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं जितने लोगों ने भी अभी तक न्यू एप्लीकेशंस लगाई है। इसके अलावा अगर ओल्ड एप्लीकेशन की बात की जाए तो उनके भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, लेकिन विद इन अ मंथ नहीं, उनको थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर प्लीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।